हरियाणा में आज भी भयंकर बारिश, तूफान। इन जिलों में भयंकर बारिश, सरकार की चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, मौसम की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों पहले बात करेंगे कैसा रहेगा अगले 5 दिन तक मौसम, और फिर बात करते हैं कहाँ कहाँ हुई है बारिश। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो मौसम है आज, यानी दोस्तों मतलब आज तो दोस्तों ये जो मौसम है बिल्कुल, जो दक्षिण और पश्चिम हरियाणा है यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और सखी दादरी में बिल्कुल सूखा रहेगा दोस्तों। यह बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, बाकी पूरे हरियाणा में बारिश होगी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आज पूरे हरियाणा में बारिश होगी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, सखी दादरी, भिवानी को छोड़कर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले 5 दिन, तो दोस्तों अगले 5 दिन 21-22 तारीख की बात कर लेते हैं तो पूरे हरियाणा में संभावना बारिश होने की, लेकिन फिर 23 तारीख को फिर सरखी दादरी भिवानी हिसार में बारिश नहीं होगी दोस्तों। कल जैसा मैंने बताया था कि बारिश होगी, तो दोस्तों बारिश हुई है, मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, बिपिरोय जो तूफान है उसका असर शुरू हो गया है हरियाणा में। रेवाड़ी बिपिरोय ने कराया मौसम इंजॉय, तेज़ हवाओं के साथ बरसे बद्रा, यानी बादल जो है दोस्तों तेज़ हवा के साथ बरसे, काफ़ी तेज़ आंधी आई थी दोस्तों। 12 मई बरसात से जलमग्न हुआ शहर, कई स्थानों पर जल भराव से लोगों को भी परेशान, तापमान में गिरावट से मौसम जो है सुहाना हो गया दोस्तों। और प्रदेश में भी प्रयोग का असर कई जिलों में देखने को मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों वो। तो दोस्तों उन जिलों की बात करें तो फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, रेवाड़ी है, रोहतक है, और इनमें कई जगह पर बारिश और बूंदाबांदी। मौसम विभाग का दावा है कि प्रदेश में जो परिवर्तनशील मौसम बना रहेगा, यानी कि जो मौसम है वहाँ बारिश होती रहेगी पूरे हरियाणा में। 20 mm बारिश हुई कुरुक्षेत्र में, 15 mm हुई फतेहाबाद में, और इसके साथ रोहतक है, यमुनानगर, रेवाड़ी और हिसार में भी दोस्तों बारिश आपको देखने को मिली थी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मौसम के अपडेट के साथ साथ किसी भी प्रकार की कृषि संबंधित इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है अब ये जो बारिश हो रही है ये किसानों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे किसानों की फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई किसान भाई कोई फसल बोने वाला तो एक बार 1 या 2 दिन वेट कर ले, क्योंकि अभी जो है मौसम काफ़ी बदल सकता है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।